MBA चाय वाला, BTech पानी पूरी वाली, डॉक्टर चाय वाला। आजकल लोग पढ़ाई छोड़ के पानी पूरी और चाय के ठेले लगा रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं? आइए जानते हैं उन लोगों से जो लाखों करोड़ों में ऑलरेडी कमा रहे हैं। What do you do for a living? I work as an assistant professor in a law college. ये जितने भी लोगों ने MBA चाय वाला के promises के basis पे franchise ले ली and now they're not able to earn bare minimum as well. पे आपका क्या take है? It was all verbal with the MBA चाय वाला. Nothing can be done. If there was certain kind of a written agreement like companies do that, even if you don't earn from our franchise, they'll pay you. बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वादा किया था कि आप 10,000 से 15,000 दिन का कमाएंगे, but he ended up fooling them or whatever. But what's your take? क्योंकि कुछ भी written agreement नहीं था इसको लेके। अगर ये written भी नहीं, अगर ओरल भी है तो ये मिस सेलिंग है, क्योंकि ओरल भी अगर तुमने किसी को प्रॉमिस कर दिया वो भी तुमने एक तरीके से जमान दे दी। लोग आजकल सेल्समैन के बातों पे ट्रस्ट करते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई एम अ टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट, आई हायर्ड बेस्ट टैलेंट फॉर माय फर्म। प्रफुल ने 25 से 40 लाख की फ्रेंचाइजी सेल करी, बट जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो लाइक पेनीज भी नहीं कमा पा रहे, तो उसमें आपका क्या टेक है? यस, सिंस टियर 3 टियर 4 में फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, वहां पर चाय की कॉस्ट ही क्या होगी, 5-7 रुपए, इससे ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इससे 40 लाख रुपए का रिटर्न निकालना तो भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है। दैट टू यार फेक प्रॉमिसेस एंड शुड नॉट हैपन। एंड सिंस टियर 3 टियर 4 लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, बेसिकली तुम स्कैम बहुत आसानी से कर रहे हो। जैसे ये MBA चाय वाला है, देयर इज अ डॉक्टर चाय वाला एज वेल। डॉक्टर चाय वाला yes. कुछ भी बना रहे हैं लोग। BTech पानी पूरी वाली एज वेल। एंड सिंस यू ओन अ सुपर बाइक, देयर इज अ KTM चाय वाला है। KTM दो आई एम एक्सपेक्टिंग। डॉक्टर एंड BTech थोड़ा ज्यादा हो गया, बिकॉज़ दीज आर हार्डकोर प्रोफेशंस। एग्जैक्टली, सो द क्वेश्चन इज दैट ओनली इतने बड़े-बड़े खुद के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट होल्ड करती है डिग्रीज, इनको ऐसे बिजनेस के साथ एसोसिएट करना, लाइक हाउ डू यू फील अबाउट इट? यार मार्केटिंग किक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इन इंडिया आर स्ट्रगलिंग अनफॉर्चूनेटली। उससे किक आ जाता है कि BTech में तो कुछ हो नहीं पाया, लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड डॉक्टर इज अ ग्रेट प्रोफेशन, या डॉक्टर्स आर सेविंग लाइव्स, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई डू मल्टीपल बिजनेसेस, आई एम अ पार्टनर इन कैफे बर्नआउट। आई वर्क एज अ HR। प्रोफेशनल डिग्री का नेम विद सच अ बिजनेस, आई फाइंड इट क्रिंज, बट आई एम नॉट फिटिंग माइसेल्फ इनटू देयर शूज, सो आई कैन नॉट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट इट। द एजुकेशन व्हिच दे हैव डन, उस बेसिस पे अगर उन्हें जॉब नहीं मिली, सो जस्ट बी दे ट्राइंग टू मेकिंग आउट द मोर पॉसिबिलिटीज फ्रॉम अ डिफरेंट वे। टू शेक्स कैन नॉट लाइक बाय टू सेम पीपल, बिकॉज आई लुक jobs and I look persons and personalities on a different way. Where do you meet these people, man? I don't know how the fuck you find them. No, I just think it's again, pun on words, it's catchy, so it'll run for some time. Yeah. But after, people get over that trend. In this industry, food matters. Whatever you have invested, what kind of produce you procure, that is what matters. What do you do for a living? For a compliance automation tool, I manage customer success. What is happening ki bachche parents se padhai ke naam pe paisa le rahe, but side hustle shuru kar de rahe business ke naam pe aur padhai mein wo paisa nahi ja raha hai. So what's your take on that as a parent? I think that's a better option they're taking. I'm a person who thinks outside the box. I've been working since I was 14 years old. I was studying, but at the same time I was doing small jobs, small businesses. I worked for 7 different industries. They learn the trade, they learn the value of money. Yaar, it's a two-edged sword. Aapka business chal jata hai, parents won't mind. Parents ko ye hai ki padhai ke baad bhi to paise hi kamane the na. Nahi chala to aapke paas education bhi nahi hai aur aap paise bhi nahi hai, aur paise chuka bhi chuke to aap jhoote bhi apne parents ke aage. Ye revolt ho raha hai kyunki parents aise paisa denge nahi kuch aur karne ke liye, to bachchon ko ek hi bahana soch raha hai ki wo padhai ke liye paisa mange lekin apni marzi se wo business kare. Thoda sa parents ko learning chahiye ki haan, agar wo bachcha बिजनेस के लिए पैसा मांग रहा है तो कुछ कैलिबर है उसमें, उसे और भरोसा करना चाहिए। आई फील अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू हैव द मनी, पीपल फेल, राइट? सो टू हैव दोस एक्सपीरियंसेस टू रीच अ स्टेज वेयर यू कैन गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल एंड ऑल्सो ग्रो इट टू द विजन दैट यू हैव, यू नीड स्किल्स। बहुत जल्द क्या हम ऐसे निंजा चाय वाला या लाइक कावासाकी कोई पानी पूरी वाला ये सब भी देख सकते? माइट हैपन इफ आई वांट टू मेक अ सेकंड वेंचर अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, आई माइट स्टार्ट विद अ कावासाकी चाय वाला। MBA इन टुडेस टाइम, डू यू थिंक दिस डिग्री स्टिल होल्ड्स द सेम वैल्यू दैट इट यूज्ड टू? यार नॉट रियली, क्योंकि ना पहले तो स्कार्सिटी होता था, MBA करना वाज अ थिंग। अब हर दूसरे घर में एक MBA है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड मतलब इतनी रही नहीं, तो इट्स जस्ट लाइक उसकी वैल्यू अंडरग्राउंड हो गई है। वैल्यू तब है जब तुम बहुत टियर 1 कॉलेज से कर रहे हो, तो इट मेक सेंस, तभी लोग आपको हायर करते हैं। टैलेंट में भी हम बी हायर फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस, तो उनका पैकेज जो आप कह रहे हो, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कहीं से भी MBA करना सेंस नहीं बनता, देन यू आर डूइंग इट फॉर नेम सेक। MBA एज अ डिग्री, डज इट होल्ड still the same value that it used to? Yes, it do. At places when we were supposed to do some hiring and if the MBA is required, then it is required and we do not do any negotiation at that. It's not like that ki agar ye banda MBA nahi hai to ye banda waise bahut acha hai to usko le sakte hai, but nahi, some hiring manager ask for MBA because they believe in the one the education system,
Second, they believe ki people sharp with more and more education. Definitely. If you want to do an MBA, ask yourself, what are you going to do with that MBA? It's not just ki I've done an MBA, so I'll get better people to marry, or I have an MBA, so my salary package will go up. Yes. Companies are not fools. Yes. Recession is coming in. You will be employed and you will get paid if you have the skill set. Do you think agar kisi ka bhi chai thela hai, very generic chai thela, not a brand name or something, can earn 10 to 15,000 a day? I guess. I know few of my colony people who's making money out of just a chai, and I always go and sit with them. I'm like, bhaiya, aapka to bada sahi chal raha hai. Look at me. I'm just earning like maybe 5,000 rupees per a day. Yeah. And look at you, just making 15 to 30,000 rupees per day. Now, if you look at Chayo, there's an outlet on GFR. When at least they're earning more than that on a daily basis. Coverage of the menu is very vast. But yes, from day one, you cannot expect that. Then go up to there if you have that kind of patience and, you know, financial backup to support the system. But if you are not having the backup, then there is no point going out and closing it down after 3 months. Tier 1 mein aap rakh sakte ho agar aapka chal jaye, tier 3 aur 4 mein to nahi, wahan logon ke paas itni purchasing power hi nahi hai khareedne ki, to karoge kya? Aapke paas kaun si super bike hai? Gaddi V4S. Costs around 28 lakh rupees. I have Java Piraq. One piece of advice as a businessman you would want to give ki agar business shuru karna hai, you should have these things in you and you should keep this in mind before going for it. Whatever you're passionate about, if you monetize that, you'll never be working a day in your life. And make sure that you never give up, because that gets so many no's, but you don't know when the no is going to turn to a yes. Definitely. So just wait for that yes, and if it's not coming, don't be disheartened. Move on to the next thing. I've closed businesses in 3 months, 4 months. But if I didn't, then I wouldn't be here today. Before getting into any business, do research about the ground, the people, the future perspective. Thoda sa recce karna bahut zaruri hai. It's not like that ki jo chalta aa raha hai, wahi chalta chalega. Which bike do you own? I own a Ninja 1000. Kitne ki aati hai bhai? Close to 16.5 lakhs. Agar talent acquisition mein jana hai, to uske liye aap banda kya padhta hai and how does one gets into it? You should be good in communication, extrovert personality honi chahiye. There is no fixed degree, like zaruri nahi hai ki aap HR की ही डिग्री करनी है. Like I personally did business analytics till I am doing HR. Which bike do you own? I own a Kawasaki Z9. Currently I have a Swedish bike. It's called Swart Pillin by the brand Husqvarna. Do you think कि एक prerequisite कोई skill आपके अंदर होना चाहिए to get into this field? Very persuasive. Either in teaching or either you are in litigation or you go to any corporate. कि अगर किसी को आपकी field में जाना है, so is there a prerequisite degree they need to have and what is the starting package anybody can expect? But I manage customer success. I did philosophy honors in college. It has no correlation to what I do today, but it really builds my base. I feel that anyone who has to start, that would cross 50,000 for sure. To be experienced, I'm not talking about freshers. And then over the years, it can go up to even 1,50,000. दोस्तों, क्या आप भी इन cool super bikers की तरह अच्छी job करके पैसे कमाना चाहते हैं? Then do check out अपना app, जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा job opportunities हैं. International job opportunities hai. So check out apna app today. Link is in the description. Yaar dekho, aap log chahe koi bhi job karna chahte ho, business karna chahte ho, ya to main keh raha hu thela hi lagana chahte ho, but us sabse pehle jo log us field mein hain, unse suggestion lena bahut zaruri hai. Don't believe everything you hear on the internet. Aap logo se salah lo, jaise aaj humne aap logo ke liye li, aur agar aapko genuinely isse help mili hai to video ko like kariye, niche comment mein hame bataiye aur channel ko subscribe kariye.